हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हर्षा रावत और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। तो गाइस, एक सर्वे हुआ था पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर। उस सर्वे में कुछ चीज़ें नोट की गई हैं। 25% वुमेंस ऐसी पाई गई जिनको पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता नहीं है कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या चीज़ है। 25% वुमेंस ऐसी पाई गई जो इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करना चाहती हैं, एंड 50% मेंस ऐसे हैं जिनको अभी पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में पता नहीं है। देखिए, पीसीओडी या पीसीओएस एक फ़ीमेल कंडीशन ज़रूर है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन सिर्फ फीमेल्स को पता हो। मेल्स भी अगर इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस रखते हैं तो वो किसी फीमेल के काम आ सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। आगे इस सर्वे में पाया गया कि 60% वुमेंस ऐसी हैं जिनको अभी तक इसके सिम्टम्स के बारे में ही नहीं पता है। और लास्टली 65% वुमेंस ऐसी पाई गई जिनको पीसीओडी या पीसीओएस है, बट वो शेम फील करती हैं इस चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस करना। उनको लगता है कि हम ये चीज़ सबको नहीं बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है। पीसीओडी पीसीओएस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और आप इससे ट्रीट करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो। पीसीओडी वो कंडीशन है जिसमें ओवरीज ज़्यादा अमाउंट में प्रीमेच्योर या इमेच्योर एग्स रिलीज करने लग जाती है। एज अ रिजल्ट ओवरीज का साइज़ इंक्रीज होने लग जाता है और वहाँ पर सिस्ट की फॉर्मेशन देखी जा सकती है। और इस कंडीशन में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन के अमाउंट भी ओवरीज में बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से मेंसेस में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और इसमें फ्लूइड फिल्ड सिस्ट भी देखे जा सकते हैं। और पीसीओडी पीसीओएस से ज़्यादा कॉमन है। पीसीओएस कम लोगों में देखी जाती है और पीसीओएस पीसीओडी से ज़्यादा सीवियर होती है, ज़्यादा रिस्की कंडीशन होती है फीमेल के लिए। सिम्टम्स पीसीओडी या पीसीओएस के सिमिलर रह सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं। सबसे पहला सिम्टम है इरेगुलर मेंसेस। इसमें पीरियड साइकिल में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी को लेट पीरियड हो जाता है, 5 डे डिले, 10 डे डिले, 15 डे डिले। नेक्स्ट सिम्टम है एब्सेंस ऑफ मेंसेस। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके पीरियड्स मिस होने लग जाते हैं। लोग इसको कॉमन सिम्टम सोच के इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं कि एक महीना मिस हो गया, इट्स ओके। बट अगर आपके साथ एक महीना दो महीना मिस हो जाता है और ये चीज़ रेगुलरली आपके साथ हो रही है तो ये सीरियस कंडीशन हो सकती है, इसलिए आपको अपना चेकअप कराना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिम्टम है हैवी ब्लीडिंग। इसमें पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, एक दिन में 4 से 5 या उससे ज़्यादा पैड्स यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हिरुस्टिज्म। इसमें फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स देखने को मिलते हैं। एकदम से अगर आपको कभी फील होने लग जाए कि यार अभी मेरे फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी पीसीओडी या पीसीओएस का साइन हो सकता है। हेयर फॉल, नहाते टाइम जब आप हेड वॉश कर रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। कॉम्ब करते समय भी बहुत हैवी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पेल्विक पेन। कई लेडीज़ में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उनको पीरियड्स के टाइम पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इतना दर्द रहता है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं, उनको गर्म पानी की बॉटल रखनी पड़ती है या फिर वो मेडिसिंस लेती हैं, पेन किलर्स लेती हैं। बट ये चीज़ें ना करें, अपना चेकअप कराएं। नेक्स्ट है बॉडी वेट। आपका वेट बढ़ने लग जाता है, ओबीज होने लग जाते हो आप। नेक्स्ट है फटीग। फटीग में क्या होता है कि कोई भी काम करते करते बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाना, ठीक है, थोड़ा सा काम किया और आप थक गए। नेक्स्ट सिम्टम है एक्ने। एक्ने भी बहुत कॉमन चीज़ है पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। अक्सर लोग जब एक्ने होता है तो वो उसको सोचते हैं कि बस ऐसे ही एक्ने हो गए हैं, तो वो लोग सिर्फ एक्ने की मेडिसिन लेके एक्ने को हटाने की कोशिश करते हैं और अपने पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो गाइस, इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है तो अपना चेकअप ज़रूर कराएँ और अपना ट्रीटमेंट एक प्रॉपर वे में कीजिए। अब डिस्कस करते हैं इसके क्या कॉज हो सकते हैं। देखो, हर फीमेल बॉडी में थोड़े से अमाउंट में मेल हार्मोन्स होते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब वो थोड़े मेल हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो जब हाई एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो फीमेल्स में मेल्स के कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं, इसी वजह से फीमेल्स की हेयर ग्रोथ होने लग जाती है और वो इनफर्टिलिटी की तरफ चलने लग जाती हैं। तो हाई एंड्रोजन लेवल एक कॉज हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस का। सो नेक्स्ट कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हार्मोन
पैनक्रियास के थ्रू सिक्रेट होता है, और इसका काम होता है आपके ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं इंसुलिन को और वो ग्लूकोज को नहीं ले पाते हैं, तो इस दौरान जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करने लग जाता है ताकि वो ग्लूकोज को सिक्रेट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। इस वजह से इंसुलिन का अमाउंट जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, और जब इंसुलिन बढ़ने लग जाता है तो एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ने लग जाता है, और फिर वही जब एंड्रोजन बढ़ जाएगा तो फिर इनफर्टिलिटी का केस होने लग जाता है, पीसीओडी के चांसेस, पीसीओएस के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में एक साइन देखा गया है कि उसमें डार्क और वेलवेट लाइक पैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं अपने गर्दन के नीचे, आर्मपिट्स में या फिर ब्रेस्ट के नीचे, ये ऐसे स्किन के पैचेस देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट कॉज है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स का काम है, जब शरीर में चोट लगती है तो वाइट ब्लड सेल्स एक सब्सटेंस बनाते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो और हीलिंग जल्दी से हो जाए, बट पीसीओएस या पीसीओडी के केसेस में क्या देखा गया है कि उसमें लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होता है, ये काम बहुत धीरे धीरे होता है। हेरिडिटी रिसर्चेस में ये देखा गया है कि आपके ब्लड रिलेशन में अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है तो बहुत कॉमन है कि आपको भी ये चीज़ हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस तब देखने को मिलते हैं जब आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स को आप इग्नोर करके उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये चीज़ आगे जाके सीवियर हो जाती है और जो कंडीशन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो सबसे पहला जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है वो है इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आपको पीरियड्स ही नहीं होंगे, एग्स की फॉर्मेशन ही ढंग से नहीं होगी, तो फिर फर्टिलिटी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डिजीजेज। इससे हार्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें देखा गया है कि इन केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो अगर आप इसमें कंसीव कर लेते हो तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ देखने को मिले। सो नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आता है कैंसर ऑफ यूट्राइन लाइन। बहुत हाई रिस्क हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो तो यूट्राइन लाइन में आपको कैंसर देखने को मिल सकता है। अगली कॉम्प्लिकेशन है मिसकैरेज। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस के केस में कंसीव कर लेते हो तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं। सो गाइज, आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई हो। आप लोगों तो ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे कंट्री में, खुद की कंट्री में अभी काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं, काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत ही एक छोटी उम्र से ये देखने को मिलने लगा है आजकल। ठीक है, बहुत कॉमन हो चुका है और कईयों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या हैं और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एक हेल्प के लिए आपको उनसे ये वीडियो शेयर करनी है ताकि हर कोई ये इस चीज़ से अवेयर हो जाए और समय पे अपना ट्रीटमेंट करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड